I love it. It's so pretty. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. If you're new to my channel, my name is Deepa and I make videos on clothing, beauty, accessories and lifestyle in general. If this is something you're interested in, then please take a minute and do subscribe to my channel. आज की जो वीडियो वो होने वाली है Amazon try on haul. So recently मैंने Amazon से कुछ और चीज़ें purchase की हैं, dresses में, suits में, kurtis में, tops में. So I thought क्यों ना ये haul आप लोगों से share किया जाए. Also these are quite affordable. Plus इनकी quality is top notch because इनमें से एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने वॉश करके दोबारा से पहनी है. सो आई नो ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल तो डेफिनेटली रहने वाली है. सो येस, विदाउट एनी फॉर द डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. लास्ट वीडियो में भी ये वाला ब्रांड पर्टिकुलरली शो किया था W, तो उससे मैंने ये कुर्ती परचेज की है. इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट शॉर्ट स्टाइल का टॉप या कुर्ती, कैसे भी आप इसको लेगिंग के ऊपर, ट्राउजर के ऊपर, जीन्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी स्टाइल कर सकते हो. ये जो फैब्रिक है इट्स लाइक कॉटन और इसके यहाँ से बटन ऐसे कवर्ड है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही ज्यादा लक्स फील देता है. ऑल्सो इफ यू सी यहाँ पे पूरा प्रिंटेड वर्क किया हुआ है. आई लव इट. एक प्रॉब्लम आती है कलर ब्लीडिंग की. सो मैंने ना इसको सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ से वॉश करके देखा था और इसका कलर ब्लीड नहीं होता है. सो यस, यू गाइस कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कुर्तीज और आप बोल सकते हो शर्ट स्टाइल टॉप. सो बेसिकली इस ब्रांड से मैंने दो तीन चीजें और परचेज की थी और मैंने अपने लास्ट हॉल्स में ये सारा शेयर भी किया था, बट मैं आपको वो दोबारा से दिखा रही हूँ सो दैट अगर आपको परचेज करना है तो आप ये वाले पिक कर सकते हो. लाइक यू कैन बाय समथिंग लाइक दिस. ये वाला जो फैब्रिक है ये भी कॉटन में है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है. यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है पूरे नेक पे. दैट लुक्स सो गुड. इसकी स्लीव्स जो है वो भी बलून स्टाइल में है. सो मुझे लगता है समर्स में ऐसे बैगी कपड़े ना बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं. साथ साथ मुझे लगता है ऐसे आप कहीं भी स्टाइल कर सकते हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे कॉलेज जा रहे हो, चाहे बाहर जा रहे हो मार्केट तक शॉपिंग करने के लिए. तो यस, आप ऐसा कुछ परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट आई गॉट दिस कुर्ता सेट. ये ब्रांड है जनसिया से. आई लव दिस कुर्ता सेट. ये वाला मैंने हल्का सा बड़े साइज में मंगाया, आई थिंक मैंने M में मंगाया है. सो ये बहुत ही सही आया मुझे. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. दिस इज हाउ इट लुक्स. ये पूरा ग्रीन कलर में है, इसमें सारे पे पिंक कलर का वर्क किया हुआ है. वीडियो में हल्का सा लाइट लग रहा है बट इन रियल हल्का सा और डार्क टोन में आता है. इसकी जो स्लीव्स हैं वो आपको 3-4 स्लीव्स मिलेंगी. पूरे पे आप देखोगे तो प्रिंटेड वर्क किया हुआ है फ्लावर्स का. यहाँ पे आपको से गोटापत्ती का वर्क मिल जाएगा. फ्रंट जो नेक है उसका वो आपको कुछ इस स्टाइल में मिलेगा और यहाँ पे ये रैप अराउंड स्टाइल में है तो यहाँ पे ना वैसे बांध सकते हो, नॉट दिया हुआ है. और इसकी जो लेंथ है वो नीस तक आती है. और इस ब्रांड के मैंने और भी बहुत सारे कुर्ता सेट पहले ट्राई किए हुए हैं. सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बिकॉज लास्ट जो मैंने वीडियो दिखाई थी जनसिया से मैंने कॉटन कुर्ता सेट परचेज किया था. सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और सब बहुत ही अफोर्डेबल थे. लाइक 850 रुपीज में यू आर गेटिंग होल कुर्ता सेट, लाइक कुर्ता बॉटम और दुपट्टा. तो वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. तो यहाँ पे आपको से बॉटम मिल जाता है. यहाँ पे पूरा आपको इलास्टिक बैंड मिलता है. फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे नाड़ा टाइप मिलता है. तो अगर आपको ये हल्का सा भी लूज है तो आप इसे टाइट कर सकते हो. ठीक है, ये वाइड आदो स्टाइल में मिलता है. अच्छी खासी वाइड है ये और इसके अंदर ना एक अंदर फैब्रिक भी दिया हुआ है. अंदर लाइनिंग है ये क्रेप फैब्रिक की, तो कुछ भी सी थ्रू भी नहीं रहता है. इसका जो दुपट्टा है वो आपको सेम इस कलर में मिल जाएगा. और यस, दिस इज हाउ द कुर्ता सेट लुक्स. नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्लाउजेस. सो मैंने ये दो ब्लाउजेस परचेज किए हैं. इसमें बहुत सारे कलर्स और प्रिंट्स अवेलेबल हैं. मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट. फिट परफेक्ट, साइज जो आप ऑर्डर करते हो सेम आता है. लव द क्वालिटी ऑफ द पैड्स. ऑल्सो द फेब्रिक इज सो गुड. बहुत शाइनी है. अंदर आपको कॉटन की लाइनिंग दी हुई है. बहुत सॉफ्ट रहता है स्किन पे. सो एज यू नो कि आज के टाइम पे प्राइजेस कितने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं स्टिचिंग के. सो स्टिचिंग में आपको ऑलमोस्ट 1200 देना पड़ेगा फॉर अ पैडेड ब्लाउज, वो भी तब जब आप इसको थोड़ा सा बेसिक से हटके बना रहे हो. एंड दिस वन इज बेसिक से हटके. ये उसी परफेक्ट लेंथ का है जो अभी इस टाइम पे ट्रेंडी है. सो यस, आप ये वाले ब्लाउजेस परचेज कर सकते हो. मैंने परचेज किया था लगभग 800 रुपीज में. आई फील एक एक पैसा जो मैंने इस ब्लाउज पे लगाया है इज वर्थ. सो यस, यू कैन बाय दिस ब्लाउज फॉर श्योर. बहुत सारे कलर्स हैं. आई फील गोल्डन हो गया, ब्लैक हो गया. दीज आर सम कलर्स जो आप हर किसी साड़ी के नीचे स्टाइल कर सकते हो. गो फॉर इट गाइज, यू वॉन्ट रिग्रेट. और सेम ही ब्रांड से मैंने ये वाला ब्लाउज भी परचेज किया है. ये आपको कुछ ये भी आपको सिल्क फैब्रिक में मिलता है बट इस पर काम किया. इफ़ यू सी यहाँ पे ऐसे थ्रेड का वर्क और जरी का वर्क दिया हुआ है. आई लव द स्लीव्स यार. इनकी जो स्लीव्स दी हुई है ना, स्लीवलेस बहुत अच्छा है. इवन जो ये डीप नेक दिया हुआ है, परफेक्ट डीप नेक है. इसकी जो लेंथ है ना वो परफेक्ट है. सो येस, यू कैन डेफिनेटली पिक दिस वन. ऑल्सो पीछे ना यहाँ पे आपको 4 हुक दिए हुए हैं. सो आप इसको ईजिली पहन सकते हो बिना ब्रा के. एंड लव इट. फिट इतनी बड़ी आती है ऐसा लगता है आपने ब्रा ही पहनी हुई है. सो
Yes, buy these one right now. Next, I got two dresses जो perfect है for the summer season. First is this dress. Oh my god, I just love this one. It gives the perfect summery vibe. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐसे रफल स्टाइल में डिटेलिंग मिल जाएंगी. पूरा पिकनिक वाइब दे रही है ये मुझे, ठीक है. फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे डॉस्ट्रिंग दी हुई है. आप इसके नीचे इजिली ब्रा भी पहन सकते हो. स्ट्रैप आप ट्रांसपेरेंट या न्यूड लगा सकते हो. नीचे आपको ये जो है ये ए लाइन स्टाइल में मिलता है और हल्का सा बिल्कुल प्यारा सा फ्लेयर आया हुआ है. आई लव इट, इट्स सो प्रिटी. फैब्रिक इज जॉर्जेट. अंदर जो लाइनिंग दी हुई है वो क्रेप की दी हुई है, सो स्किन पे बहुत सॉफ्ट रहेगा. सेम मैंने एक जॉर्जेट में ली और एक मैंने कॉटन में भी ड्रेस परचेज की है. रुको दिखाती हूँ. कॉटन में है ये ड्रेस. ओ माय गॉड, इट्स सो गुड. बहुत ही कम्फी है. आप इसको कॉलेज पहन के जा सकते हो और यू विल लव इट. समर्स में मैं जीन्स ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ एंड आई गो फॉर ड्रेसेस मोस्टली. सो येस, दिस द वन. सो आप देखोगे तो स्लीव्स आपको ऐसे रफल स्टाइल में मिल जाती है. फ्रंट में आप देखोगे तो पूरा ये कॉटन है. यहाँ पे आपको टीयर्ड फ्लेयर मिल रही है. वीडियो में आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये ड्रेस एक्चुअल में इन रियल कितनी प्यारी लग रही है. पूरे पे प्रिंटेड वर्क किया हुआ है. आई लव इट. और ये थोड़ी सी यू नो मिडी लेंथ की है. सो इफ यू आर समवन जिसको शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पसंद तो आप ये ले सकते हो. सो परचेज करने से पहले ड्रेसेस की लेंथ जरूर देख लेना बिकॉज आई एम 5'7" और मेरे को ये नी से नीचे ही आ रही है. सो यस, ओके. सो दिस इज ऑल दैट आई गॉट फ्रॉम Amazon दिस टाइम. इनमें से एक दो चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हैं बट मुझे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी वॉश करने के बाद. लाइक दिस ब्लाउज, ये मैंने वॉश किया हुआ है एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे जो क्रीजिंग आ रही है ये मैंने पहन भी रखा है. सेम विद दिस ब्लाउज, ये मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में पहना था एंड लवली लग ही नहीं रहा था. ये मैंने ब्लाउज खरीदा है, ऐसा लग रहा था मैंने स्टिच कराया अपने फिट का. सो येस, बाकी आप लोग बताना है वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में. और मेरा जो लुक है वो इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे. मैंने फेस पे लगाया है, मैंने फेस पे कोई भी फाउंडेशन कंसीलर नहीं लगाया. आई जस्ट एडेड अ टिंट. नीचे मैंने स्किन केयर किया है विद सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर. और लिप्स पे भी मैंने एक्वालॉजिका का वो जो लिप टिंट है ना, पीएच ग्लॉस जैसा जो है वो लगाया है. एंड येस, दिस इज द लुक, ठीक है. सो अच्छा, ये एक्ने आए हैं बिकॉज मौसम जैसे ही चेंज होता है ये बता देते हैं कि बहन मौसम चेंज हो गया. क्योंकि मुझे तो वैसे नहीं पता चलता ना, इनके आने से मुझे आइडिया लगता है कि हाँ फाइनली वेदर चेंज हो गया. सो यस, दिस इज ऑल. हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इन्जॉय, बाय, टेक केयर. और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो.